हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए क्रूड ऑयल पे फिर से एक वीडियो लेके आया हूं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग सब कुछ एनालिसिस करेंगे इसमें कि अभी इसका रिसेंटली थोड़ा सा मार्केट प्राइस जो है वो नीचे आया है, तो वो क्यों आया था मैं वो आपको बता देता हूं। और इसमें अभी फ़िलहाल क्या इसमें ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी बन रहा है वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो देखिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है और ये 15 मिनट चार्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इसका RSI मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया है और MACD देखिए मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस मैंने लगाया है। तो देखिए इसी दो तीन इंडिकेटर से हम लोग इसमें समझेंगे और एनालाइज करेंगे इसको कि अभी इसमें आगे का क्या मूवमेंट होने वाला है। और मैंने एक इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में आपको बताया था, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से 8:15 हो रहा है, आप देख रहे हैं 8:15 एक तारीख को, 1 मार्च 8:15 को। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा न्यूज़ था जिसके चलते क्रूड ऑयल का प्राइस इतना नीचे आया। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इकोनॉमिक कैलेंडर में, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 1 फ्राइडे 1 मार्च 2019 का ये हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर है। तो देखिए इसमें 8:13 30 और 8:15 के करीब में एक इसमें न्यूज़ आया था और ये था हमारा ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। तो जो ये PMI का डेटा होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसका ये मैंने आपको बताया था। और ये देखिए ये वर्स देन एक्सपेक्टेड आया था उस दिन, और ये 8:30 को जो था ये इसका डेटा आया था। और इसका देखिए यहाँ पे वोलेटिलिटी आप लोग देख ले कि यहाँ पे हायर वोलेटिलिटी था इसका, हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड था उसमें। और ये US का डेटा है तो इसलिए और भी ज़्यादा इसमें वोलेटाइल मार्केट को ये कर देता है। तो देखिए ये ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI उस दिन आया था 8:30 में, तो उसका इम्पैक्ट कैसे क्रूड ऑयल के प्राइस पर पड़ा तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ ये देखिए 8:15 हो रहा था, 8:15 से ही इस मार्केट में इसका नीचे की तरफ में मूवमेंट स्टार्ट हो गया और ये 8:30 हुआ है, 8:30 में इसका PMI का डेटा आया और देखिए यहीं से मार्केट ने एकदम ही नीचे की तरफ में मूवमेंट लिया और ये यहाँ तक आया। तो ये 3964 है, 3964। तो अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता देखिए 4074 पे, तो यहाँ देखिए कम से कम हम लोग को 110 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट होता। तो मान लीजिए इसमें हम लोग 110 नहीं, इसमें हम लोग सिर्फ 30 पॉइंट या 50 पॉइंट अगर निकालते हैं तो फिर ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और देखिए यहाँ से जो इसका आगे का प्राइस होने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर MACD का ये जो ब्लू लाइन है ये ऊपर की तरफ आ जाता है इसमें, तो यहाँ से एक हम लोग पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभी इसका जो EMA है, EMA क्रॉस है, जो कि ये रेड वाला लाइन आप देख रहे हैं, ये 9 डेज़ का EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो ग्रीन वाला लाइन है वो हमारा 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर ये जो शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है, ये रेड वाला लाइन अगर ऊपर की तरफ जाता है और ये जो 26 डे का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 डे का ये ग्रीन लाइन है, अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है तो यहाँ से एक हम लोग बहुत ही बड़ा इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमारा MACD है ये भी जो ब्लू लाइन है वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ जाने वाला है, और देखिएगा नेक्स्ट दिन ये ब्लू वाला लाइन ऊपर की तरफ इसको अगर कट करेगा तो यहाँ से बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा इसमें। RSI भी हमारा अभी ओवरसोल्ड जोन में है, तो देखिए ये 30 के अगर नीचे होता है तो हम लोग ओवरसोल्ड जोन बोलते हैं, तो उसके आसपास में ये अभी 34 पे है, अभी 34 पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए अगर ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और ये भी कट कर देता है, MACD अगर ब्लू लाइन इसका कट कर देता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से एक अच्छा हम लोग का बाइंग ये बन सकता है ट्रेड। तो यहाँ से हम लोग को ये चीज़ देखना है। और EMA क्रॉस देखिए, EMA क्रॉस अभी यहाँ से बाइंग का नहीं बता रहा है, गोल्डन क्रॉस जो होता है बाइंग का तो वो अभी नहीं बता रहा है, लेकिन अगर ये MACD ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है, ब्लू लाइन अगर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो फिर यहाँ से एक पॉजिटिव मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए MACD और EMA, EMA प्लस MACD बन के मिल के एक हमारा
बहुत ही अच्छा इंडिकेटर बनता है। इन दोनों को हम लोग अगर एक साथ यूज़ करें तो हम लोग मैक्सिमम टाइम इसमें हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, EMA प्लस MACD। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ यूज़ करेंगे। तो देखिए MACD तो अभी ऊपर जाने वाला है, इसमें अगर कट कर दिया, इसने ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ में कट कर दिया, और EMA ने भी अगर ये रेड लाइन ऊपर की तरफ चला गया, तो फिर यहाँ से एक पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट इसमें आएगा। तो देखिए ऐसे ऐसे हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर और ये सारे इंडिकेटर्स को हम लोग को यूज़ करना है, और ज़्यादा इंडिकेटर्स हमें यूज़ नहीं करना है। RSI एक एडिशनल ले लिया मैंने, क्योंकि इसमें हम लोग को ओवरसोल्ड और ओवरबॉट देखना होता है। तो अभी ये थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से हम लोग एक बाइंग कर सकते हैं इसमें। क्योंकि देखिए अगर यहाँ भी हम लोग देख रहे थे पहले ये 28 फेब्रुवरी को, तो ये हमारा ओवरसोल्ड जोन में आया था, हमारा RSI है इसका क्रूड ऑयल का। और यहाँ से देखिए एक कैसा अप मूवमेंट मिला, बहुत ही अच्छा अप मूवमेंट मिला था, और उसी टाइम से फिर से ये ओवरबॉट जोन में गया, और फिर वहाँ से ये मार्केट इसका नीचे की तरफ आया। तो अभी हमारा ओवरसोल्ड जोन के आसपास में है, तो यहाँ से हम लोग एक बाइंग का पोजिशन ले सकते हैं और इसमें हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए MACD को हम लोग को वेट करना होगा थोड़ा सा, अगर MACD ऊपर की तरफ कट करता है तो इसमें हम लोग बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और हम लोग को देखिए अगर अगले दिन का मैं इसमें बता देता हूँ कि अभी इसमें क्या होने वाला है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है इसमें और टाइमिंग है, वो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो देखिए यहाँ से दिस वीक है, और नेक्स्ट डे का यहाँ ट्यूसडे 5 मार्च का यहाँ पे ये सारा डेटा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा टाइमिंग हमारा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 3 बजे के करीब में एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का हमारा सर्विस PMI आने वाला है, तो ये हम लोग 3 बजे इसको ट्रैक कर सकते हैं, 3 बजे शाम को। और 8:30 में फिर से एक ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI आने वाला है 5 तारीख को, तो इसको भी हम लोग को ट्रैक करना है। और ये 8:30 में, यहाँ पे देखिए 8:30 में इसका वोलेटिलिटी बहुत हाई है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा नीचे जाएगा, और अगर यहाँ पे ग्रीन आ जाता है और पॉजिटिव आ जाता है इसका डेटा, तो इसका प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, क्रूड ऑयल का प्राइस। और ये भी देख लीजिए इसका भी वोलेटिलिटी हाई है। और ये है न्यू होम सेल्स, मतलब नए होम्स का सेल्स कितना हुआ है दिसंबर में। तो अगर ये ज़्यादा आता है यहाँ पे, तो ये हमारे प्राइस के लिए, उसके प्राइस के लिए अच्छा होगा, और अगर ग्रीन आता है यहाँ पे तो ये पॉजिटिव उसका प्राइस मूवमेंट होगा, और अगर इसमें नेगेटिव आ जाता है तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव होगा और क्रूड ऑयल का प्राइस इसमें नीचे जाएगा। तो इन सबको ये 8:30 में हम लोग ट्रैक करते हैं, कर सकते हैं। दो दो डेटा आने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 को, और इसको देख के ही हमें इसमें ट्रेड लेना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो हम लोग उसमें सेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग इसमें बाइंग करेंगे। और देखिए ये कनाडा का डेटा आने वाला है 8:30 को, और ये IVPMI आने वाला है, और 9:05 में ये GBP का एक स्पीक्स होने वाला है, BOE गवर्नमेंट कार्नी स्पीक्स वो एक होगा, तो उसको भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि उसमें हम लोग का कैसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा है मार्केट के लिए तो मार्केट पॉजिटिव होगा और इसका प्राइस बढ़ेगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ ये डेटा, तो फिर इसका प्राइस घटेगा। तो देखिए 5 तारीख का हम लोग ऐसे ट्रैक कर सकते हैं। हम लोग को 8:30 में ध्यान रखना है कि ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेटा कैसा आता है। अगर ये नेगेटिव आया तो फिर हम लोग को इसमें शॉर्ट का पोजीशन बनाना है, अगर ये पॉजिटिव आया तो हम लोग को इसमें बाइंग का पोजीशन बनाना है। और देखिए मैंने इसका पूरा आपको बता दिया ये टेक्निकल एनालिसिस। तो देखिए यहाँ से एक थोड़ा W पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है, तो ये एक हमारा रिवर्सल का पैटर्न होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से नीचे आया मार्केट, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके, फिर थोड़ा सा नीचे आया, और यहीं से ये रिवर्सल यहाँ पे आ सकता है। तो अगर हम लोग को ये देखना है, तो यहाँ से रिवर्सल के लिए अगर हमने सेल किया था पहले, शॉर्ट किया था, तो यहाँ से हम लोग बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हम लोग को MACD और EMA का ध्यान में, EMA को ध्यान में रखना होगा, और RSI भी हमारा बता रहा है अभी बाइंग के लिए यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से एक बाइंग का पोजीशन इसमें बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।